नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत, जिसमें हम आपको देश के हर हिस्से की छोटी बड़ी खबरें बताएंगे, हर खबर से रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर छोटे बड़े खबर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य में क्या कुछ बड़ी खबर है, देखिए संपूर्ण भारत। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के बाद राज्य की सियासत में बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से निश्चित थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संकट में नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने त्रुप को बड़ा झटका दिया। देखिए आपको बता दें कि त्रुप का इक्का फेंकते हुए पूर्व सीएम वीरभद्र के करीबी हर्ष महाजन को चुनावी मैदान में उतारा और हर्ष महाजन की जीत हुई है। कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें कि हर्ष को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस में आपसी कलह भी सामने आई है। सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां सुक्खू सरकार अब खतरे में नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला भी पहुंच चुके हैं, ताकि राज्य के सियासी घमासान को हल किया जा सके। इस्तीफा मांगा ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है, अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है, किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की बगावत के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। सुक्खू ने ये कहा है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल इस्तीफे को लेकर के सुबह से ही हलचल तेज थी। अब सुक्खू की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही इस्तीफे की पेशकश की गई है। उन्होंने मीडिया में चल रहे इस्तीफे की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो योद्धा है और युद्ध की तरह लड़ते रहेंगे। सुक्खू ने यह भी बड़ा दावा किया है कि उनकी सरकार के पास बहुमत है और बीजेपी के कई विधायक भी उनके संपर्क में हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट से इस्तीफे देने की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने सीएम सुक्खू पर अनदेखी करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से कोई भी विधायक कई ऐसे विधायक है जो नाराज चल रहे हैं। देव, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने में विश्वास रखता हूँ और मैंने हमेशा कहा है वट एवर आई से इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड दी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है विच इज़ हेडेड बाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। नहीं देखिए, जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहें। नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट अ स्टैच्यू। स्टैच्यू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण था। अगर एक जो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा जो भी कहता हूं वो तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर ही कहता हूं, ये सब अफवाहें हैं, मैं सच बोलता हूं और बिना राजनीतिक मिलावट के कहता हूं, जो भी हमें कहना होगा हम साफ तरह से कहेंगे। देव, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने में विश्वास रखता हूँ और मैंने हमेशा कहा है वट एवर आई से
इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी. सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने जमकर के हंगामा किया है. इस बीच स्पीकर ने बड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया है. बीजेपी के इन विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इन विधायकों की लिस्ट में शामिल है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा से 15 विधायकों के निलंबन पर एलओपी जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के पास 25 विधायक है. राज्यसभा में वोटिंग के बाद ये संख्या बढ़कर के 34 हो गई है. ऐसे सरकार के ऊपर बड़ा संकट आ गया है. उन्हें किसी तरह से बजट पास कराना था वरना सरकार गिर जाती. इसके लिए उनके पास एक ही तरीका था कि बीजेपी विधायकों का नंबर वो कैसे कम किया जा सके. आज बिना किसी कारण के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया. उस विधायक में से मैं भी एक हूँ. हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी. और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जो जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया. और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के हिमाचल प्रदेश से चुनाव हारने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि वो चुनाव नहीं जीत सके. कुछ विधायकों ने वोट नहीं दिया. पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है जो जल्द ही शिमला पहुंच चुके हैं. वे सभी से बात करेंगे, मामला जल्द ही सुलझाया जाएगा. जो बिठाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी वहाँ हमारे उम्मीदवार थे और वो चुनाव नहीं जीत सके. कुछ वहाँ पर MLAs का वोट नहीं पड़ा, उस पर पार्टी ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं, वो शिमला पहुँच रहे हैं. बहुत जल्द सबसे बात करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि मामले को सुलझा देंगे. जो बिठाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी वहाँ हमारे उम्मीदवार. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज ध्वनिमत से बजट पास हो गया है. इस दौरान सदन में विपक्ष ने के कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई है. तय समय से एक दिन पहले ही बजट सत्र समाप्त हो गया है. सत्र शुरुआत जो है वो 14 फरवरी को हुआ था. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने के वाले कांग्रेस के 6 विधायक आज हरियाणा के पंचकुला से शिमला लौट आए हैं. शिमला लौटने वाले विधायकों में 3 निर्दलीय भी शामिल है जो राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद कल पंचकुला चले गए थे. कांग्रेस विधायकों में से एक रवि ठाकुर जब शिमला पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से बयान सामने आता है. कहा जाता है कि वे बीजेपी के साथ हैं. जी जी बताते हैं आपको. हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी आपको क्या बताइए? बीजेपी कहेंगे? जी जी बताते हैं आपको. हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के? वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अधिकार को कुचलना चाहती है.
और बहुमत को चुनौती दे रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल के मौजूदा संकट को लेकर के बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि लोकतंत्र में आम जनता को अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। तो देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर के कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव की बैठक में लोकसभा की 190 में से 200 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। पहली सूची 90 से 100 के नाम की हो सकती है, बाकी जो नाम है वो एक सप्ताह के अंदर अंदर घोषित किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले अलग अलग राज्यों के लिए नाम तय किए गए हैं। पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हो चुकी है और आज भी मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर नेताओं के साथ बैठकें हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज है। मार्च के पहले हफ्ते में लिस्ट भी जारी हो सकती है उम्मीदवारों के नामों की। पहली लिस्ट 100 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया। साथ ही महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। मैं 10 साल पहले जब चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था, तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन जलमार्ग पोत को हरी झंडी दिखाई है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कई 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं समर्पित की है। साथियों, वाटरवेज और मैरिटाइम सेक्टर को हमारे देश में दशकों तक उपेक्षा के साथ देखा जाता रहा, लेकिन यही उपेक्षित सेक्टर आज विकसित भारत की बुनियाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन किया है। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु इस बार सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाने वालों को नकारेगा। पहले डीएमके नेता अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में पूरी जिंदगी व्यस्त करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में समय बिताते हैं। ये सभी डीएमके वाले अपने बच्चों का भविष्य
अपसेट करने में लगे हुए हैं। तमिलनाडु की जनता का भविष्य अपसेट करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के बच्चों का भविष्य बनाने की गारंटी लेकर आई है। बनाने के लिए जिन पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे, अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयनित हुई आंगनबाड़ी वर्कर को लखनऊ के लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस मौके पर विभागीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य व राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रही। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगभग 3,077 सहायकर्तिया को पद की चुनौती चुना गया है, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अब उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी। लखनऊ में विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में जब बीजेपी अकेली लड़ रही थी तब भी राजनीतिक दल एकजुट होकर के पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हमने 80 में से 64 सीटें जीती थी। अब तो और भी अच्छा वातावरण हो गया है, अब तो प्रभु श्री राम की भी कृपा होगी। बहुत सारी उम्मीदें हैं कि पूरा काम किया जाएगा। जनता के लिए जो संकल्प लिए गए हैं सभी पूरे किए जाएंगे। हम कल की तरह आज भी 100% परिणाम मिलने की उम्मीद करते हैं। सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्य के माध्यम से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गांव-गांव गई, सफलतापूर्वक परिणाम यूपी का रहा है। केंद्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए उन सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश का संगठन अग्रणी भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सब कुछ हमारे अनुकूल है, मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई की तरफ से रेत के अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार 29 फरवरी को अखिलेश यादव को दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर के जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज अदालत ने हिंदू पक्ष को टीले वाली मस्जिद में पूजा का अधिकार दिया है। पहले ये जगह लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध थी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इसका नाम बदल करके टीले वाली मस्जिद रखा गया था। पंजाब पुलिस ने आज सुबह तरन तारण में एक और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। संयुक्त अभियान के दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन बरामद किया है। यूपी के मेरठ में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के तहत एक निर्माणाधीन स्टेशन में आग लग गई है। मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक ये मेट्रो स्टेशन पलवलपुरम पुलिस स्टेशन के तहत आता है। फिलहाल अभी किसी के हताहत ना होने की सूचना मिल रही है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब उत्तराखंड में 1-2 मार्च को बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। हरियाणा चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में ओले भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो यहां पर आंधी बारिश और ओले पड़ सकते हैं। उधर केरल का अगर जिक्र किया जाए तो केरल में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। आने वाले दिनों में इसके और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी लगातार 2 बार 5 सीटें जीतने हुई नजर आ रही है।
इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने कई बैठकें भी की है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश चुनाव संचालन समिति ने सभी 5 लोकसभा सीटों को लेकर के 55 दावेदारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये जानकारी साझा की है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के बीच लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान सभी लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर के भेजे गए पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेश की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर धामपुर के बीच 58 किलोमीटर रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। सर्वे के लिए सीएम ने केंद्रीय रेल मंत्री अनुरोध किया है कि इस मंजूरी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि आने वाले सालों में इस रेल लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, पर्यटकों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, जिससे कि उत्तराखंड को भी काफी फायदा होगा। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत आज इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन वन भूमि अतिक्रमण अघोषित के नाम पर बेघर करने वाले विरोधों में होगा। सीएम की तरफ से ये कहा गया है कि हिम पैलेस के निकट इकट्ठा होंगे, जो सीएम हिम पैलेस है उसके आसपास सभी इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे, उसके बाद वहां से विधानसभा की ओर चले जाएंगे। रास्ते में एक स्थान पर धरने की तैयारी होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में निर्वाचन विभाग की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। राज्य में दिव्यांग लोगों को मतदान से जुड़ी जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन विभाग ने चमोली के जिला अधिकारी कार्यालय से दिव्यांग रथ रवाना किया है। इस रथ को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना और स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते और बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें सिलक्यारा विषम चुनौती यो से समाधान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो वहीं पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम उत्तराखंड और पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में गुलदार के हमले में मारे गए बच्चों के परिवार से मुलाकात की है। गुलदार हमले के पीड़ित परिवारों को 6 लाख रुपए का चेक भी दिया है। उन्होंने कहा कि संकट के इस घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। 25 फरवरी को देहरादून के किमाड़ी के मराड़ी चक में एक गुलदार ने 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया था। गुलदार हमले के बाद एक बार फिर से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। एक बच्चा रियासतली जिसकी 10 साल की उम्र थी, इस बाघ के हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां उसको मारने के आदेश। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। 16 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा चलेगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 12वीं की हिंदी और 10वीं की हिंदुस्तान संगीत की परीक्षा थी। 12वीं पहला पेपर हिंदी का था, जिसमें कि कुल 18,941 छात्र छात्राओं ने हिंदी का एग्जाम दिया है। 440 छात्र छात्राओं ने हिंदी का पेपर छोड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि बहादराबाद स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य सतपाल सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है कि विद्यालय में 278 छात्रों का पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 274 बच्चों ने हिंदी की परीक्षा दी है, जबकि 4 बच्चे अब्सेंट रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्था ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने फर्स्ट रिस्पोंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में एनसीसी डेट वाहन चालक छात्र छात्राएं और प्रवर्तन दल ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। आरटीओ शैलेश तिवारी ने लोगों को यातायात से जुड़े हुए नियमों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें कि रोड
लाइट जंप ना करने, तेज गति से वाहन ना चलाने, वाहन में अधिक क्षमता से भार ना ले जाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करना जैसे तमाम ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी और अपील की है कि सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि एआरटीओ रश्मि पंत ने यह भी कहा है कि किसी भी सड़क दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले सहायता उपलब्ध कराने और पीड़ित व्यक्ति को जीवन जो है वो बचाने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे सुभाष वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं दोबारा से घर वापसी करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने उनका स्वागत भी किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा अब बढ़ रहा है और निश्चित ही पार्टी को लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। हरिद्वार में हजारों की तादाद में छोटे बड़े होटल हैं। साल में कई हजार श्रद्धालु और यात्री इन होटल में आकर के ठहरते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हरिद्वार के ज्यादातर होटल बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। इनमें आग की घटना से निपटने के इंतजाम नहीं किए गए हैं। हाल ही में संगम होटल नाम के एक चार मंजिला होटल में आग लग गई थी, जिसमें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने चार यात्रियों को मुश्किलों से बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई थी। लक्सर और उसके आसपास के इलाके में लगातार बिजली ट्रांसफार्म में से ऑयल चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। चोरी से परेशान किसान यूनियन ने बिजली विभाग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन भी किया है। न्यूज इंडिया से हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर किसानों से खास बातचीत की है, तो बातचीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में बजट के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होती है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा भी किया गया। सदन में कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB के अंतर्गत एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी और वो टास्क फोर्स केवल सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2047 तक सालाना 1 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात करना है। वहीं सीएम ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो पूरे मामले होते हैं उन पूरे मामलों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। छिड़ी पीरावली ढूंढर में 2719 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इसकी तैयारियों को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में ARO अधिकारियों और कर्मचारी शामिल हुए हैं। इस बैठक के दौरान उन्होंने EVM के बारे में जानकारी साझा की है। साथ ही मार्च के शुरुआती दिनों में आचार संहिता लागू हो सकती है, इसके बारे में भी जानकारी दी है और इसके अलावा चुनावी रैलियों के पर भी पूरी नज़र बनाए रखने के लिए कहा है। सीएम मनोहर लाल के दिल्ली के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जेटली चंडीगढ़ से वापस दिल्ली लौट रहे थे, पीछे से ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मारी है। हादसा यमुनानगर हाईवे के पास हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये रही कि हादसे में जेटली बच गए। पंजाब के लुधियाना में देर रात दो ग्रुपों में आपसी झड़प हो गई है। गैंगवार में दो गुटों में एक दूसरे पर लगातार फायरिंग की, देर रात ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं गैंगवार में एक युवक की जान भी चली गई है, एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने ठगी गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह में एक कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर भी शामिल बताई जा रही है, जो कि बैंक से जुड़े सारे डिटेल्स ठगी करने वाले गिरोह को देता था। तो वहीं कुरुक्षेत्र के पीपली बस अड्डे के पास STF ने मुठभेड़ में एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने बदमाश घायल हुआ उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बदमाश शार्प शूटर राजन की हत्याकांड में वांटेड चल रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।